ऊपर हमारे घर में कुछ खान को पीने को नहीं है और समझो सैसिया हमारे बहुत खराब है और भैंसिया हमारी है, भैंसिया हमारी ऐसे भूखे प्यासी बंधी रही है, हम बहुत मजबूरी है भाई। क्या जो तूफान वगैरह आया उसमें क्या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया सब, छप्पर उड़ गया हमारो, छप्पर उड़ गया और समझो खान तक ने भैसिया हमारी छप्पर टूट गया, हम क्या करूं क्या खाऊं, हाँ अनाज पानी हमारे सब उड़ गया, हम क्या खाऊं, हम मजबूर हैं, हम क्या खाऊं, हमारे हमारे ढिंगानो होते तो खाती पीती, हम क्या करूं, मजबूर है हमारे, जाओ भैंसिया हमारी वैसे भूखे प्यासे बंद रहे, घास कुरो लाती, अब तो घास कुरो नहीं जा रही है कहां पर लेने को, तो हम क्या करूं, हम मजबूर है। हमारे गांव का नाम मुरुपरा है, कल यहाँ इतना बड़ा भयंकर तूफान आया था सवे 6 बजे के टाइम और सुबह और इतने भयंकर ओले पड़े थे, 3 बजे तक ओले निकले थे और गांव हमारा इतना नुकसान हुआ, पूरा फार्म टूट गया है, वहाँ से तो बच्चे यहाँ करे हैं और हमारे भाई की मुश्किल से इतनी जान बचाई, पूरा फार्म गिर गया था उनके ऊपर और सारी टीन टूट गई हमारी, इन पड़ोसी भैया इनकी भी टूट गई है, सारी खेती नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ। वैसे भी हम घर बहुत बच्चे मर गए, 300-400 बच्चे मर गए हैं, यहाँ डाला है घर, बिल्कुल डेरा बन गया है, घर में रह गया ही घर है हमारा। ये बहुत दिक्कत है भैया, इतने इतने पानी में निकल गए और हमारे भैया हैं हाजी अजर, उनका फार्म है मुर्गी फार्म, ये घर है और बहुत समझो सारी खेती उती सब नष्ट हो गई है हमारी। हम ये चाहना चाहें कि अगर जी आप सब लोग देख रहे हैं तो हमारी कुछ मदद करें, गरीब हैं हम लोग, इसीलिए प्रेस पे जब आए हैं तो कम से कम हमारा थोड़ा बहुत जितना है उतना ना दें, मुआवजा तो दें थोड़ा बहुत। ओले आए थे, पूरा फार्म गिर गया था, मुर्गी फार्म में दब गया था, उसके अंदर बच्चे भी सारे अंदर ही दबे हुए थे। अच्छा। और बहुत मुश्किल से जान बचाई है, बच्चों को निकाला है। अच्छा। चोट भी काफी चोट उड़ लगी है और फोन भी खराब हो गया है। अच्छा। दो फोन खराब हो गया, बल्कि सब बच्चे भी काफी मर गए, कुत्ता भी दब गया था उसके अंदर, वो भी निकाला है। अच्छा। कितने बच्चे लगभग मर गए? 300-400 बच्चे मर गए होंगे। 400 ओलो से ओले बहुत गिरे थे, कम से कम एक बिला तो ठाड़ हो जमीन पर। हाँ, इसलिए सब बेकार हुई फसल। हाँ, पूरी फसल में अभी सही से जो ना कि 2-1 फेरा बेच लेते, तैयारी तैयारी फसल सब खराब हो गई। अब देखो गवर्नमेंट से जो मुआवजा मिला वो ही बहुत है। हाँ, और पेड़ बहुत टूटे, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये पेड़ खराब हो गए, लिफ्ट के पॉपलर के। तूफान आया था, ओरे गिरे थे मोटे मोटे। अच्छा, तो क्या नुकसान हुआ आपका? ये टीना हमारी छत पर से चले गई पीछे खेत में और सब टूट गई टीना और दीवार भी गिर गई थी। अच्छा। और नुकसान हो गया बहुत। अच्छा, जैसे क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये टीना टूट गई और ईटा बहुत टूटी है और दीवारें गिर गई थी। अच्छा, यही नुकसान हुआ है। अच्छा, कोई था तो नहीं उस वक्त वहाँ पर? उस टाइम था तो, मगर निकल चुके उस टाइम। 2 दिन बच गए हम, जैसे घर में से बहुत जल्दी निकले, निकल के पटकी लग गई। अच्छा। बहुत जोर से गिरे और टीने टूट गई है, बाउंड्री भी सब गिर गई है। अच्छा, छप्पर भी सब गिर गया, सब कुर्सा हो गया, टीनों को खर 6 बम गिर गए, खेत में जाके बहुत दूर जाके गिर गए टीने। अच्छा, बहुत तेज आंधी थी। हाँ, बहुत आंधी तूफान हो रहे, बहुत मोटे मोटे ओरे पड़े थे। कितनी देर तक पड़ते रहे? पड़ते रहे करीब 1 घंटे तक। क्या नाम है गाँव का? दौली गाँव का नाम। अच्छा, क्या हुआ? अरे इसमें तूफान आ गया था, उसमें हम सब लोग अंदर थे और मार बहुत जोर से आंधी आई थी, उसमें ओरा गिरे थे सब, बहुत बिगड़ छह गया, इसमें से फौड़े से निकाल के उधर ढेर लगाए, सब छपरा टूट गए, मड़हियाँ टूट गई लोगों की, पेड़ बूटा बहुत गिर गया है, पीछे बहुत तरीके से तूफान आ गया, बहुत बिगड़ हो गए। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? बच्चों नुकसान को क्या? बच्चों को अभी नुकसान तो नहीं हुआ, यही नुकसान हुआ, झोपड़ी टूट गई और ये सारे सब टूट गए, इधर उधर गिरी थी फसल, टूट गई सब। आपके गांव में झोपड़ी ज्यादा है? हाँ, झोपड़ी ज्यादा है। अच्छा, पक्के मकान कम है? पक्के मकान कम है, झोपड़ी भी है और झोपड़ी ज्यादा है लोगों की, गरीब लोगों की, इधर उधर पड़ी हुई सब। गाँव क्या नाम है गाँव का आपके? दौली रकबरदार मंजरा मुरपरा है। क्या हुआ, क्या संकट आया? ये मकान में रह रहे थे, ये गिर गया। कैसे? अपने आप बारिश से कल हो रहा है, बारिश आई, मकान गिर गया, कच्चा मकान था ये, गिर गया। नुकसान क्या हुआ? नुकसान एक हफ्ता गिर गया और 100 बर्तन भाड़े इसमें दब गए, निकाल ही नहीं मिला, भागे।
छोड़ कर निकाल के भाग गए। क्या कहना चाह रहे हो? क्या है? अब यही है, सरकार अगर जो चाहे तो मैं मदद कर सकती, नहीं तो क्या कोई बात है नहीं, गिर तो गई है। अच्छा, और लॉकडाउन के चलते क्या खाने पीने की स्थिति है यहाँ की? अब लॉकडाउन में एक महीना हो गया ज्यादा, क्या परेशानी तो है ही, घर बैठे हैं, खाने को कहाँ से आए, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, नूका सूखा जैसे मिल रहा है वैसे खा रहे हैं। अच्छा, और अब ये नुकसान हो गया? हाँ जी, नुकसान हो गया। Hola, 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 hola.